हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है, मीठी मीठी ठंड के साथ। इस बार जो 2017 धीरे धीरे हमारी जिंदगियों से कदम दर कदम पीछे होता जा रहा है और एक कदम हम आने वाले खूबसूरत 2018 की ओर बढ़ाते जा रहे हैं दोस्तों, तो माना जाता है बहुत ही खूबसूरत साल हम सभी के लिए साबित होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि हम जो कर रहे हैं वो अपने 2017 की जितनी निगेटिविटी थी, जितनी पुरानी चीज़ें हैं, उन सब पे फोकस कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना है और आने वाले 2018 में एक खूबसूरत दुनिया हमें बसानी है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में जितना खूबसूरत लगता है सपनों की दुनिया, वैसे ही सच में हमें अपनी दुनिया खूबसूरत बनानी है। सपनों की दुनिया को सच की दुनिया बनानी है और इसके लिए हमें करने होंगे थोड़े से प्रयास। मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि अपने घर से पुरानी चीज़ों को निकाल बाहर करें, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ दोस्तों जो आप अपने घर पर लगा लेते तो माना जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी का चारों ओर आपके घर में वास होता है। और इस पौधे का तो दोस्तों नाम ही मनी प्लांट है, यानी पैसे का पौधा। इसको अगर आप लगा लेते हैं तो दोस्तों माना जाता है कि साल भर आपके घर में धन की कमी ही नहीं रहती है। दोस्तों, एक छोटा सा वाकिया बताती हूँ स्पेशली आपको। माना जाता है मनी प्लांट को, बड़ी ही मजेदार बात है ये, रोचक सी बात है। अक्सर माना जाता है कि मनी प्लांट को चोरी करके लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। मैंने तो जब ये घर खरीदा तो मेरे यहाँ पहले से इतना सारा मनी प्लांट लगा हुआ था कि मुझे कभी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी या चोरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों। इसलिए मुझे ये नहीं पता प्रैक्टिकली लाइफ में कि ये कितना सच है कितना झूठ है। पर एक बार जब मैं अपने बंगलों पर खिड़की पर बैठी थी, मैंने देखा एक लड़की हमारे वॉल पर चढ़ के क्लाइंब करके कुछ पत्ते तोड़ने की ट्राई कर रही थी। मैंने सोचा पता नहीं, मुझे दिखाई नहीं दिया कि कौन है, नहीं मैंने डांटा, मैंने बोला अरे कौन है वहाँ, कौन चढ़ रहा है। तो उधर से एक छोटा सा चेहरा, छोटे से नन्हे नन्हे हाथ मुझे दिखाई दिए और उसने मुझे कहा दीदी मैं हूँ। मैंने देखा हमारे पड़ोस की एक बच्ची है और वो हमारे घर से मनी प्लांट की डाल चुरा रही है। तो मैंने पूछा अरे ऐसे चढ़ के क्यों ले रही हो, चोरी क्यों कर रही हो तुम, जितनी डाली चाहिए ऐसे ही ले जाओ। तो बोलती है अरे दीदी आपने क्यों टोक दिया, मुझे तो चोरी करके लेके जाना था। मैंने बोला ये क्या बात हुई दोस्तों। उसने कितने धीरे से मेरे मकान का गेट खोला, कब अंदर घुसी, कब उसने धीरे से, मुझे पता भी नहीं चला, वो हमारे घर से आ करके चुपचाप उसने चोरी करके वो जा रही थी। दोस्तों, हमारा मनी प्लांट इतनी जल्दी फैलता है कि कई बार मुझे इसकी शाखाएं काटकर फेंक देनी पड़ती है। असल में दोस्तों, मुझे आपत्ति इस बात से नहीं थी कि मनी प्लांट की कलम काट के वो ले जा रही थी, आपत्ति ये थी कि उसने मुझसे आज्ञा नहीं लिया था। और अक्सर तब उसने मुझे बताया कि आपको पता भी नहीं दीदी, आपके घर से मनी प्लांट ले जाना हमारे लिए कितना लकी साबित होता है, और मैं नहीं पूरी कॉलोनी के लोग आपके यहाँ से मनी प्लांट चोरी करके ले जाते हैं। दोस्तों, मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। और ये बात आज मैं आपको बता दूं कि वास्तु और फेंगशुई के अनुसरण से भी दोस्तों आज दुनिया में हम लोग अपने अपने घर बसाते हैं और वास्तु में मनी प्लांट को बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह दी गई है। सबसे पहले माना जाता है कि चोरी करके लगाना चाहिए दोस्तों, लेकिन कैसे लगाना चाहिए ये आपको मैं आज बता देती हूँ। आपको धन सिर्फ देता नहीं है दोस्तों, अगर आप इसको गलत तरीके से लगाते हैं तो माना जाता है मनी प्लांट हमारे घर से धन ले भी जाता है। इसलिए आप चाहे चोरी करके लगाएं या बाजार से खरीद के लगाएं, बात बराबर है। पर मनी प्लांट के बारे में आपको बहुत ही ध्यान देने लायक बात है कि किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों, तो आपके घर में धन संपत्ति का वास होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता आती है कि घर में मनी प्लांट लगाने से सुख समृद्धि होने के साथ साथ धन का आगमन बढ़ता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधा घर में अगर उचित दिशा में आप लगा लें तो आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में हम मानते हैं दोस्तों, मनी प्लांट को लगाने के लिए सबसे अच्छा दिशा अग्नि दिशा, यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है। और इस दिशा में ये पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का भी लाभ मिलता है।
दोस्तों मनी प्लांट को अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट दिशा में लगाने का कारण सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस दिशा के देवता गणेश जी माने जाते हैं और इसका प्रतिनिधि शुक्र करता है। गणेश जी क्या करते हैं, हमारे जीवन से अमंगल का नाश करते हैं और शुक्र क्या करते हैं, सुख समृद्धि लाने वाले हैं। तो दोस्तों शुक्रवार है, आप चाहें तो कल भी ला सकते हैं। और वैसे बुध ग्रह का कोई भी पौधा ग्रीन होता है और ग्रीन कलर बुध ग्रह का सूचक है, तो आप बुधवार के दिन इस पौधे को भी अपने घर पर लगा सकते हैं। दोस्तों हर एक बेल हर एक लता का कारण शुक्र ग्रह को माना गया है, इसलिए मनी प्लांट को अग्नि दिशा में लगाना सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना गया है। ध्यान रखें दोस्तों इसको कभी भी ईशान कोण में या उत्तर पूर्व दिशा जिसे हम कहते हैं दोस्तों उसमें नहीं लगाना चाहिए। ये दिशा इस प्लांट को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा नकारात्मक दिशा मानी गई है, क्योंकि ईशान कोण के प्रतिनिधि ईशान कोण कौन सा हुआ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, और इसके प्रतिनिधि कौन होते हैं, बृहस्पति होते हैं। इस दिशा में अगर आप केले का पौधा या तुलसी का पेड़ लगाते हैं दोस्तों तो बहुत ही लकी माना जाता है, लेकिन मनी प्लांट लगाना निषेध माना गया है, क्योंकि इस जैसे बताया मैंने ईशान कोण के कॉर्नर के जो प्रतिनिधि होते हैं वो बृहस्पति होते हैं और शुक्र और बृहस्पति में शत्रुवत संबंध होता है, इसलिए शुक्र से संबंधित है मनी प्लांट, इसको आपको ईशान कोण पर अगर आप लगाते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना होती है। दोस्तों आराम से इस दिशा में आप तुलसी का पौधा लगाइए, शम्मी वृक्ष लगाइए, आप इस दिशा में तुलसी का पौधा केले का वृक्ष लगाइए, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो जाता है। दोस्तों हमारे जीवन में हर समय हर एक पौधा, मैंने पहले भी आपको जेड प्लांट के बारे में बताया है, जेड प्लांट आप अपने घर में लगाएं, कैसे लगाना चाहिए जेड प्लांट, घर से मुख्य द्वार में घुसते ही पूरी वीडियो है दोस्तों इसके ऊपर, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, आप वो ज़रूर देखें। घर में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ में आपको जेड प्लांट लगाना चाहिए। दोस्तों पैसे का पौधा माना जाता है, मनी प्लांट माना जाता है, वो भी आप चाहें तो वो भी अपने घर पर लगा सकते हैं। मनी प्लांट दोस्तों घर की शोभा बढ़ाता है, धन के आगमन का सूचक होता है, इसलिए मनी प्लांट का पूरा लाभ उठाने के लिए इसको सही दिशा में रखना जरूरी होता है। दोस्तों आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे पर मैंने बताया आपको कि घर में चोरी किया हुआ मनी प्लांट लगाने से ज़्यादा फायदा होता है माना जाता है, और मनी प्लांट के पौधे को बुधवार के दिन आप लगाएं तो भी अच्छा होता है, साथ ही अगर रेवती नक्षत्र में लगाएं तो बहुत ही लाभदायक माना जाता है। जब भी इसका पौधा लगाएं ट्राई करें घर के बाहर ना लगाएं, इसको हमेशा घर के अंदर लगाना चाहिए ताकि बाहर वाले इसे चोरी ना कर सकें। दोस्तों मनी प्लांट की बेल कभी भी ज़मीन पर लटकनी नहीं चाहिए, कोई भी बेल, मनी प्लांट की बात नहीं, आप अगर अपने घर पे कोई भी बेल लगाते हैं उसे ज़मीन पर लटका कर ना रखें, नहीं तो वो आपके घर में अपशगुन लेकर के आती है, आपके घर की बढ़त ज़मीन में चली जाती है। इन बेलों को किसी भी डोर के माध्यम से हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। दोस्तों जिस प्रकार आप रोज़ तुलसी की पूजा करते हैं उसी प्रकार आपको मनी प्लांट को रोज पानी देना चाहिए, अगर ठंड का मौसम है आप एक दो दिन छोड़ छोड़ के दे सकते हैं ताकि उसके पत्ते ना मुरझाएं। किसी भी पौधे के पत्ते दोस्तों अगर सफ़ेद होने लगे या मुरझाने लगे तो ये अपशकुन का सूचक होता है, इसलिए खास तरीके से ध्यान रखें कि इसके पत्ते मुरझाए नहीं। दोस्तों मनी प्लांट हमारे घर की सुंदरता के साथ साथ समृद्धि में बढ़ोतरी भी करती है, और बाजार से खरीद भी सकते हैं, चोरी करके ले आए, मुँह मांगी मनी पाने की मुराद पूरी होती है। दोस्तों अगर खराब हो रहे हैं पत्ते तो हमेशा काटते छांटते रहें, और कांटेदार पेड़ पौधे लगाने से घर में परेशानियां बनी रहती है, इसलिए इसके आसपास भूल से भी किसी प्रकार के कांटेदार पौधे आपको नहीं लगाने हैं। दोस्तों अगर पति पत्नी में झगड़े आदि ज़्यादा होते हैं तो आप मनी प्लांट का पौधा अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, और फिर आप देखेंगे पति पत्नी के जो भी संबंध है कितने मधुर हो जाते हैं। दोस्तों एक
से एक उपाय होते हैं मनी प्लांट के, लेकिन बहुत ही सावधानी से लगाना है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि मनी प्लांट के पौधे की केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आपके घर में शुभता की जगह अशुभता का वास कर सकता है। और दोस्तों, सही दिशा में लगाएं, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर आप शेयर करें। अगर आपने आज तक नहीं लगाया हुआ है अपने घर पे मनी प्लांट का पौधा, तो दोस्तों आज ही जा करके एक छोटा सा मनी प्लांट, हो सके तो कहीं से, मेरा नाम मत लीजिएगा, कहीं से लेकर के आए और लगाएं, और या फिर आप खरीद के भी चाहें तो बाज़ार से ला सकते हैं। लव यू ऑल फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इस रोचक जानकारी को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता दोस्तों कब कौन सी चीज़ किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, किसी तरह के क्वेश्चंस हो, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। आप सभी से क्षमा चाहती हूँ कि अभी मैं इन दिनों में थोड़ा सा जवाब नहीं दे पा रही हूँ। दोस्तों, मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ, जिसकी वजह से शायद एक दो महीने आपको परेशानी हो सकती है समय नहीं मैच करने के कारण। इसलिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। कुछ बहुत अर्जेंट हो तो लिख के ज़रूर रखें, ताकि लेटेस्ट वीडियो पर, ताकि मैं ट्राई करूं कि अगर हो सके तो मैं आपको जवाब दे सकूं। बाकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2018 आने को है दोस्तों, इसलिए खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे टिप्स अपनाते रहें, ताकि आपके जीवन में 2018 आने तक खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाए। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।